हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्त, इस दुनिया में इतने रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी साइंटिस्ट, रिसर्चर और हिस्टोरियन भी पता नहीं लगा पाया है। दुनिया भर में कई ऐसे शहर और नगरों के बारे में बताया जाता है जो एक समय पर काफी समृद्ध और संपन्न शहर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ही साथ और कुछ बुरे कामों के कारण ये शहर पानी में समा गए। आप लोगों ने महाभारत में द्वारिका नगर के पानी में डूबने की बात तो सुनी होगी। क्या वाकई में कोई द्वारिका नगरी नाम का शहर इस धरती पर हुआ करता था? और अगर था तो फिर इतना सुंदर शहर आखिर पानी में कैसे डूब गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताएंगे जहां एक समय पर बहुत ज्यादा आबादी रहती थी, लेकिन कैसे ये शहर पानी में समा गए और दुनिया की कौन कौन सी जगहों पर इस तरह के शहर मौजूद हुआ करते थे, ये सारी बातें आप जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत करेंगे इस वीडियो की द्वारिका के साथ। महाभारत में श्री कृष्ण की प्रिय द्वारिका नगरी के बारे में काफी वर्णन किया गया है, और ये भी कहा जाता है कि ये पूरा शहर समुद्र में जलमग्न हो गया था। सैकड़ों सालों तक हिस्टोरियन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन साल 2002 में भारत के अरब सागर के पश्चिमी तट में स्थित खंबात की खाड़ी में एक शहर के डूबे होने के बारे में पता चला। इस जगह से कई प्राचीन चीजें, सिक्के और अन्य चीजें अभी तक खोजी जा चुकी हैं, और बताया जा रहा है कि यह भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी ही है। द्वारिका में बड़े बड़े दरवाजे और ऊंची ऊंची दीवारों के महल हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम द्वारिका रख दिया गया था। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने छल पूर्वक दुर्योधन की जांघ को वज्र के समान मजबूत होने नहीं दिया था, और उस जगह को उन्होंने कपड़े से ढकवा दिया था। ये बात जब भीम को पता चली तो उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौरवों की मां गंधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरह छल पूर्वक कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यादवों की नगरी द्वारिका का भी सर्वनाश होगा। ये श्राप मिलते ही कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द द्वारिका नगरी खाली करा दें। वहीं दूसरी ओर कृष्ण जी के बेटे श्याम ने महर्षि दुर्वासा के साथ एक गर्भवती स्त्री बनकर मजाक किया था। जब ये बात दुर्वासा को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने भी श्राप दिया कि कृष्ण और बलराम को छोड़कर पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा। अरब सागर से कुछ अवशेषों के मिलने के बाद कहा जा रहा है कि ये नगरी 9,500 साल प्राचीन हो सकती है। पोर्ट रॉयल। जमैका के साउथ ईस्ट एंड पर ये खूबसूरत शहर हुआ करता था। इस शहर की स्थापना स्पेनिश लोगों के द्वारा सन 1494 में की गई थी, लेकिन 17वीं शताब्दी तक इस शहर पर हर जगह डाकुओं और बुरे लोगों का राज होना शुरू हो गया था, और यहाँ पर दुनिया भर के लुटेरे अपना लूटा हुआ सामान छुपा कर रखते थे। बताया जाता है कि यहाँ पर चोरी और लूट का सामान इतना ज्यादा हो गया था कि एक समय पर यहाँ की सड़कों पर भी सोना चांदी बिखरा रहता था। ये शहर वेश्यावृत्ति और अपनी शराब के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था। लुटेरों के लिए जन्नत बन चुके इस शहर में हर जगह गलत काम शुरू हो गए थे। 1665 में मशहूर डाकू हेनरी मॉर्गन ने इस शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यहाँ पापियों का आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया। सन 1962 में एक दिन भूकंप आया और समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसमें ये शहर पूरी तरह से समुद्र में समा गया। उस समय इस शहर में 2000 घर, 4 महल और हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे। सभी लोग देखते ही देखते पानी की चपेट में आ गए और हजारों लोगों की मौत हो गई। आज भी ये शहर पानी में 40 फीट की गहराई पर मौजूद है। तब से लेकर आज तक कई बार इस आइलैंड पर इस शहर को दोबारा बसाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार पानी की लहरें इस शहर को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। आज इस शहर को देखने कई सैलानी आते हैं और जमैका में ये जगह फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। अटलांटिस। अटलांटिस शहर के बारे में ग्रीक के महान फिलोसोफर और मैथमेटिशियन प्लेटो ने आज से लगभग 2300 साल पहले 360 बीसी में अपनी किताब में लिखा था। उनकी किताब टाइमियस एंड क्रिटियस में इस शहर के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। बताया जाता है कि यह शहर बहुत ही ज्यादा एडवांस था। यहाँ की आधुनिक टेक्निक हमारे जमाने से कई गुना आगे थी। ये शहर धरती का सबसे सुखी और खुशहाल शहर हुआ करता था। इस शहर की सभी इमारतें सोने, चांदी और अन्य बेशकीमती रत्नों की बनी हुई थी। शहर के राजा समुद्र के देवता पोसाइडन हुआ करते थे। ये शहर इतना ज्यादा अमीर हुआ करता था कि इसकी तुलना देवलोक से की जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर को किसी की नजर लग गई। समुद्री डाकू और लुटेरों ने इस शहर को लूटना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे शहर के सभी हीरे जेवरात लूट कर दूसरे शहरों में लोग ले जाने लगे। यहाँ के लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की भलाई करने में यकीन रखते थे। शहर के मंदिर, पूजा घर, महल और इमारतों से लोगों ने सोना चांदी चुराना शुरू कर दिया। शहर पर बुरे लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, और ये बात वहाँ के राजा पोसाइडन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अपने शहर को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देख नहीं सकते थे। इससे बचने के लिए पोसाइडन ने अपने ही शहर को श्राप दे दिया, और ये पूरा शहर एक ही रात में समुद्र में समा गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि ये शहर धरती के मैग्नेटिक पोल के शिफ्ट होने के कारण डूब गया था। ये शहर वास्तव में था या नहीं, इस बात पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अटलांटिस नाम का कोई शहर था ही नहीं, ये सिर्फ प्लेटो की एक कल्पना का शहर था,
लेकिन साल 2015 में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में रिसर्चर्स को कुछ धातु मिले थे। ये धातु कॉपर, जिंक, आयरन और सिल्वर के बने हुए थे। प्लेटो ने अपनी किताब में जिक्र किया था कि अटलांटिस शहर के लोग भी इन्हीं धातुओं का व्यापार किया करते थे। ऐसे में अब अटलांटिस शहर के वास्तव में होने की खबरों पर लोगों को यकीन हो रहा है। अब तक इस शहर के ऊपर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्लियोपेट्रास किंगडम। ये शहर जबकि नजदीक बसा हुआ था, जो वहाँ की रानी क्लियोपेट्रा के कारण काफी प्रसिद्ध था। क्लियोपेट्रा के बारे में कई ऐसी बातें बताई जाती हैं दोस्तों, जिसको सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बताया जाता है कि उन्हें शराब पीना काफी ज्यादा पसंद था और वो रोजाना नए नए लोग के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखती थी। क्लियोपेट्रा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और अपनी एक नजर से वो किसी को भी अपना दीवाना बना लिया करती थी। अपनी तरफ आकर्षित करने के बाद वो लोगों को मौत के घाट उतार दिया करती थी। खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए वो अलग अलग जानवरों के दूध को मिलाकर उनसे नहाती थी। साथ ही वो देवी देवताओं की पूजा भी करती थी, जिससे उसे काफी शक्तियाँ प्राप्त थी। क्लियोपेट्रा का शहर अपने समय से काफी ज्यादा आधुनिक था, जहाँ की टेक्नोलॉजी भी बेहद ही आधुनिक थी। इस शहर के लोगों का रहन सहन, पहनावा सब कुछ बेहतरीन था। आज से हजारों सालों पहले भी इस जगह पर पक्के मकान हुआ करते थे। जब यहाँ के अंतिम राजा को क्लियोपेट्रा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया। ये बात क्लियोपेट्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि किसी की कैदी बनने से अच्छा है मैं मर जाऊंगी। खुद को उन्होंने एक जहरीले सांप से टसवा लिया और मरने से पहले शहर को डूबने का श्राप दे दिया, जिसके बाद ये शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया। साल 1998 में इस शहर के बारे में लोगों को पता चला, जब समुद्र में क्लियोपेट्रा, अलेक्जेंडर की मूर्ति और अन्य कई कलाकृतियां मिली हैं। ये शहर लगभग 1600 साल पहले पानी में डूब गया था। वहीं रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि ये शहर सुनामी, भूकंप और जल स्तर के बढ़ने के कारण पानी में डूबा था। अगर आज ये शहर मौजूद होता तो यकीनन दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में इसकी गिनती की जाती। एल डोराडो। दोस्तों, साउथ अमेरिका में एक ऐसा शहर हुआ करता था जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था। इस शहर के सभी घर, महल, सड़कें सब कुछ सोने का था। 15वीं व 16वीं शताब्दी के दौरान कहीं से ये बात सामने आई कि साउथ अमेरिका में एल डोराडो नाम की एक जगह है, वहाँ सब कुछ सोने का है। ये खबर सभी जगह फैलने लगी, जिसके बाद इस शहर की खोज की जाने लगी। ये शहर अमेरिका में अज्ञात स्थान पर मौजूद था। कहा गया है कि एल डोराडो किसी शहर का नाम नहीं बल्कि वहाँ के मुखिया का नाम था। एल डोराडो का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके शरीर पर सोने की भस्म लगी हुई हो। इस शहर के मुखिया के चुनाव के समय एक विशेष सेरेमनी आयोजित की जाती थी। शहर का मुखिया अपने पूरे शरीर पर सोने की भस्म लगाता था और उसके ऊपर बहुत सारे कीमती आभूषण पहन लिया करता था। शहर के बाकी लोग भी इस दिन बहुत अच्छे से तैयार होकर जश्न मनाते थे। इसके बाद शहर के पास मौजूद एक झील में सरदार जाकर नहाता था। नहाने के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जिसके बाद वो सारे आभूषण अपने देवता को समर्पित कर देता था। इस कहानी के सामने आने के बाद स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने शहर के बजाय इस झील की खोज शुरू की। सालों की मेहनत के बाद भी किसी को शहर के बारे में पता नहीं चल पाया और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक कल्पना का शहर था। लेकिन एक दिन साउथ अमेरिका में एंडीज रेंजेस के पास एक झील से लोगों को सोने के आभूषण और सिक्के मिले। उस जमाने में टेक्निक का अभाव था, इसलिए झील के तट तक जा नहीं पाए। लेकिन उन सुरागों से ये बात साफ हो गई कि एल डोराडो नाम का कोई भी शहर कभी भी अस्तित्व में नहीं था। योनागुनी जिमा। दोस्तों, क्या आपने कभी पानी के अंदर मौजूद पिरामिड देखा है? जापान के रियुक्यू द्वीप के पास समुद्र की तलहटी में एक पिरामिड जैसी चट्टान है। ये पूरा पिरामिड एक ही पत्थर से तैयार किया गया है। इस जगह को पहली बार 1986 में गोताखोर कियाचिरो एरेटेक ने खोजा था। उन्होंने इस जगह पर कुछ खंडरों की खोज की थी। इसके बाद सन 1992 में फिजिसिस्ट डॉक्टर मसाकी किमुरा ने जब यहाँ पर रिसर्च की तो उन्हें एक पिरामिड मिला जो लगभग 82 फीट ऊंचा था। किमुरा की रिसर्च के अनुसार ये पिरामिड 8 से 10 हजार साल पुराना हो सकता है। इस जगह पर किसी शहर के होने के सबूत भी मिलते हैं, लेकिन आज भी कई हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के बीच एक विवाद है कि ये योनागुनी पिरामिड प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित। इसकी बनावट, सीढ़ियां और आकार देखकर ये मानव निर्मित लगता है, लेकिन एक चट्टान का बना होने और पानी के नीचे मौजूद होने के कारण कुछ लोग इसे प्राकृतिक भी मानते हैं। आज ये जगह गोताखोरों के बीच काफी प्रसिद्ध है और लोग इस जगह पर स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे प्राचीन शहर जो समय के साथ पानी में समा गए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा शहर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।